तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अब सीज़न चेंज हो रहे हैं, हमें खांसी, गले में दर्द, गले में हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन वगैरह, हमारे परेशानियां स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों को सर्दी खांसी स्टार्ट हो गए हैं, और जो अभी हमारे देश में चल रहे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जो जितने भी रोग हो रहे हैं, उसके लिए मैंने अचूक एक काढ़ा बनाया है जो हमारे आयुर्वेद भी रिकमेंड करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माई चैनल विद अनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, ये मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैंने लिया यहाँ पर एक पतीला और मैं इसमें अब ऐड करने वाली हूँ 4 ग्लास पानी। तो एक आप क्वांटिटी ले लीजिएगा आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आप पानी लीजिएगा अपनी फैमिली के कि आपको कितना काढ़ा तैयार करना है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने 4 ग्लास लिया है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये रहा मेरा 4 ग्लास, लास्ट 4 ग्लास पानी। अब मैंने इसमें मिलाने हैं एक दालचीनी का टुकड़ा। ये देखिए, ये दालचीनी का मैंने टुकड़ा ले लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे तेज पत्ता। दो मैंने यहाँ पर तेज पत्ते लिया है छोटा छोटा, और इसे मैं अब ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए, अब इसे हम गर्म भी हो रहा है मेरा पानी, और मेरे ये सब जो इंग्रेडिएंट्स मैं लूँगी, ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 लौंग लिया है। ये देखिए, 4 ग्लास पानी है तो मैंने 4 ग्लास इसमें लौंग लिया है। ठीक है, तो अब ये भी हो रहा है, और ये लिया है मैंने अब काली मिर्च। मैंने यहाँ से 4 से 5 काली मिर्च को कूट ली है मांदस्ताने में। ऐसे ही आप मांदस्ताने में कूट लीजिएगा, खड़ी इलायची मत डालिएगा, क्योंकि फिर उसके जो फ्लेवर हैं, जो उस पोषक तत्व है, वो पानी पे नहीं आ पाएंगे अच्छे से। तो मैंने इसलिए से कूट लिया है, और ये भी अब इसमें मिक्स हो गया है। अब यहाँ लिया मैंने इलायची, जो हमारी हरी इलायची होती है छोटी वाली, उसे लिया है, और इसे आप ऐसे तोड़ कर डालिएगा, इसे साबुत मत डालिएगा, इसे ऐसे तोड़कर या मांदस्ताने में हम जैसे कूटते हैं ना, भी जैसे मैंने आपको काली मिर्च कूट के बताया है, वैसे भी आप डाल सकते हैं, या पाउडर भी डाल सकते हैं आप। 1/2 चम्मच आप पाउडर डाल दीजिएगा। तो ये देखिए, अब ये भी अच्छे से इसमें पूरे फ्लेवर अब पानी में आ जाएंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर लूँगी हमारा जिंजर, मींस अदरक। ये अदरक मैंने लिया है, आपको ये इतना बड़ा टुकड़ा नहीं डालना है, इसका हाफ डालना है। तो मैं इसको क्रश करके डाल दूँगी, आप चाहे तो मांदस्ताने में कूट के भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ पर अदरक को क्रश कर लिया है। क्रश करने से दोस्तों इसका फ्लेवर बहुत जल्दी पानी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए, और ये देखिए, मैंने आधा बचा लिया है, इसे डाला नहीं है। तो ये मैंने अब अदरक डाल दिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे 1/4, आपको 1/4 टीस्पून लेना है अजवाइन। ये देखिए, ये अजवाइन मैंने ऐड कर दिया है, ये अजवाइन हो गया हमारा। अब ये देखिए अच्छे से, अब देखो पानी में हल्के हल्के से उबाल आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, मींस हल्दी। आप चाहे तो इसमें खड़ी हल्दी भी ले सकते हैं, जो कच्ची हल्दी होती है उसको क्रश करके डाल लीजिए। और अब ये देखिए, यहाँ मैंने लिया है सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा बेसल लीफ। माने आपको मैं बता दूँ, हमारे काढ़े में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका हमारी तुलसी के पत्ते ही निभाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है तुलसी का पत्ता। ये मैंने तुलसी के 4-5 पत्ते ले लिए हैं, अब डाल के इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब मैंने यहाँ लिया है गुड़। गुड़ आपको इतना ही टुकड़ा लेना है, और जिसे शुगर का प्रॉब्लम है तो आप गुड़ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ये मैंने गुड़ ले लिए हैं, अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना सुंदर चेंज हो गया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए गैस में छोड़ दूँगी। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, और थाली में ढाक कर हमें छोड़ देना है। अब ये 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकाएँगे, और ये देखिए 5 मिनट के बाद मेरा ऐसा हो जाएगा
जो हमारे काढ़े का कलर है वो कितना सुंदर हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो करके और इसे 5 मिनट के लिए ऐसी धीमी आंच में पकने दूंगी। अब इसका कारण ये होता है दोस्तों कि हमारा जो जितने भी मैंने स्पाइसेस लिए हैं, मसाले लिए हैं मैंने, जितने भी खड़े वाले, और इसमें क्या होता है कि मैंने गुड़ लिया है वो सब, तुलसी ली है जो पी लिया है, अब इसे 5 मिनट में मध्यम आँच में पकाऊंगी तो ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी में अच्छे से। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं इसे ठंडा कर दूंगी। ये देखिए ठंडा करने के बाद देखिए बिल्कुल हमारा काढ़ा रेडी है। अब मैं इसे छान लूँगी। ये देखिए मैंने इसे छान लिया है। ग्लास ले लीजिए आप, कटोरी ले लीजिए, आपको जो जैसा भी लेना है आप लेके छान लीजिए। 5 से 7 कम उम्र के साल के बच्चों को 4 टीस्पून दीजिएगा और 2 से कम साल के बच्चों को 2 टीस्पून दीजिएगा। ये मेरा काढ़ा रेडी है। कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा।